क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए एचसीएफ निकालना है इन तीन प्रॉब्लम्स का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन होता है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड मान लेंगे ए, डिवीजर हो जाएगा हमारा बी मल्टीप्लाई में क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका यूज करते हुए हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है कि 135 जो है वो स्मॉलर देन 225, 135 जो है छोटा है 225 से, तो हम 225 को एज अ डिविडेंड, 225 को हम रखेंगे डिविडेंड 225, और 135 को रखेंगे एज अ डिवीजर, तो 135, और इसे कर देंगे हम इससे डिवाइड, तो 135 बन जा 135, रिमाइंडर बचेगा हमारा 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 13 गए 9, रिमाइंडर बचा हमारा 90। तो मैं यहाँ पर 225 हमारा डिविडेंड है, तो 225 डिविडेंड की जगह पर मैंने लिख दिया 225। उसके बाद इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई में कोशेंट, डिवीजर आया हमारा 135, डिवीजर हमारा 135 मल्टीप्लाई में कोशेंट 1, तो 135 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा यहाँ पर 90। तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसे। इसको आगे बढ़ाते हैं, अब जो हमारा डिवीजर था उसको हम ले आएंगे डिविडेंड की जगह पर और रिमाइंडर से कर देंगे इसे डिवाइड, तो 135। ठीक है, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन कि इसको हम चेंज कर देंगे, अगर पूरा ये डिवाइड नहीं होता रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर से हम डिवीजर को डिवाइड कर देंगे, तो 90 बन जा 90, माइनस करेंगे 135 में से 90, तो 5 में से 9 को माइनस, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, एंड 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। अगेन अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 135 को भी मैं कैसे लिखूंगा, 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रिमाइंडर है हमारा 45, और अब की बार हमारा डिवीजर क्या था 90, इसको हम चेंज कर देंगे डिविडेंड में, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 90, 45 टू जा 90, रिमाइंडर आ गया 0। अब मैं 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो ये तो हमने यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए इसको इस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, एचसीएफ हमारा वही होगा जो लास्ट में, लास्ट स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप था ये, सेकंड स्टेप ये, और थर्ड स्टेप ये, या फिर यहां कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो हमारा डिवीजर होगा 45 है यहाँ पर, थर्ड स्टेप में लास्ट स्टेप, जो भी हमारा लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में डिवीजर है 45, उसी को हम कहेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ आ गया हमारा 45। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पर आते हैं। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो में बैक जाके भी आप दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड को देखते हैं, सेकंड में भी हम ऐसे ही कर लेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू को एज ए डिविडेंड और छोटी वैल्यू को एज ए डिवीजर रख देंगे। तो सेकंड आता है हमारा यहाँ पे, हमें निकालना है 196 छोटा है हमारा 38,220 से, तो फिर से वही करेंगे हम, 38,220 को हम डिविडेंड रख लेंगे और छोटी वैल्यू जो हमारी 196 उसको डिवीजर, तो 196 डिवाइड कर देंगे 196 वनजा 196, माइनस करेंगे तो इधर से कैरी लेगा ये 12 में से 6 गए 6 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 17 इधर से कैरी लेगा 17 में से 9 को माइनस करेगा तो आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 186, इधर से हम 2 को ले आएंगे नीचे
ठीक है, टू आ गया यहाँ पर। अब फिर से 196 नाइंजा से करेंगे, 196 नाइंजा होता है 1764, ठीक है, मैंने पहले से ये डिवाइड कर लिया। तो 12 इधर से क्या निकलेगा, 12, 12 में से 4 जाएंगे 8, और इधर हमारा बचा 5, तो 5 इधर 15, 15 में से 6 गए 9, और ये 0 बची आ जाएगी, ठीक है। इधर 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इधर 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, तो मतलब मेनली आएगा हमारा 980। लेकिन अभी भी 196 जो हमारे यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 196 से, तो 196 फाइव अभी भी इसे डिवाइड करना जारी रखेंगे। 196 फाइव क्या होता है हमारा 980, तो ये हो गया हमारा 980 में से 980 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है, 0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, हमारा डिविडेंड है 38,220, तो डिविडेंड तो 38,220 इक्वल्स टू, डिविडेंड किसके इक्वल होगा हमारा, डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन, तो डिवीजर हमारा 196 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 195 प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा हमारा वो है 0। तो इसमें एच सी एफ क्या होगा हमारा, एच सी एफ ऑफ 38,220 एंड 196 इक्वल्स टू 196 होगा, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेप एक ही स्टेप है, यही हमारा लास्ट स्टेप है, इसी में ये पूरी कैलकुलेशन डिवाइड हो गई। उसमें अब जो डिवीजर होता है, तो डिवीजर है यहाँ पे 196, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो डिवीजर ही हमारा एस सी एफ होता है लास्ट स्टेप में, जो डिवीजर होता है, ठीक है। थर्ड थर्ड पार्ट में आपके लिए नहीं करना हूं सोल्व इसमें भी, लेकिन आपको इसी तरह से यूज कर लेना है। क्या करेंगे, 867 बड़ी वैल्यू है और 255 छोटी वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे जैसे फर्स्ट हो रहा है या सेकंड हो रहा है, उसी तरह से इसे यूक्लिड डिवीजन की सहायता से इस फॉर्म में लिखते जाएंगे, और लास्ट स्टेप में जो हमारा बचेगा, बचेगा नहीं, जो डिवीजर होगा वो हो जाएगा हमारा एच सी एफ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का, इस पार्ट का जो भी आपका आंसर आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा।